नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आने वाले 3 दिनों के अंदर हो जाइए सावधान। जी दोस्तों, आने वाले 3 दिनों तक आप सभी के जीवनकाल में खुशियों की भूचाल आने वाली है। जी दोस्तों, जो सपने आप सपने में देखते थे दोस्तों, वह बातें अश्मी सच होने वाली है। जीवनकाल के सबसे बड़े अच्छे मौके आपको अश्मी मिलने वाली है। जी दोस्तों, बरसों से आप जिस खुशखबरी की तलाश में थे दोस्तों, आने वाले 3 दिनों के अंदर वह खुशखबरी आपके कदमों में होने वाली है। परंतु दोस्तों ध्यान रहे कि दोस्तों एक चीज आने वाले 3 दिनों के अंदर आप किसी को भी भूल कर भी मत देना, वरना वो कहते हैं कि ना रहेगी बांश और ना बजेगी बांसुरी। जय दोस्तों, समय देखते देखते बीतते जाते हैं। ग्रहों की बदलती चाल हमारे जीवनकाल में परिवर्तन करते रहते हैं। जय दोस्तों, और अगर हम समय के साथ अपने जीवनकाल में बदलाव नहीं लाते हैं तो दोस्तों हमारा जीवन काल जहाँ का तहाँ रह जाता है। यूँ कहें तो कई बार हमारे जीवन काल में गिरावट भी आ जाती है। जी दोस्तों, और ऐसे ही आपके जीवन काल में हो रहा है। लेकिन दोस्तों आज का यह वीडियो आप बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों जो आपके जीवन काल में घटनाएँ चल रही है इनके अनुसार आपको एक ऐसी चीज़ है जिन्हें अब नहीं दोहरानी है, एक ऐसी गलती है जिन्हें आपको नहीं करनी है। जो दोस्तों, और यह गलती करते हैं तो दोस्तों आपको आने वाले समय में नुकसान उठाना पड़ता है। तो दोस्तों आज से ही अपने जीवनकाल में आप यह एक चीज़ है जिन्हें किसी और को बिल्कुल भी ना दें। जी दोस्तों, तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण की आप इन्हें अंत तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों जैसे ही आपको अपने पिछले समय में देखा होगा कि कैसे आपके जीवनकाल में कौन सी घटनाएँ हुई है, आपको अच्छे फल प्राप्त नहीं हुए हैं जितना आपने मेहनत किए हैं, और कष्टतम जिंदगी आपका अभी भी चल रहा है। ये दोस्तों, अगर आप इनसे मुक्ति पाना चाहते हैं तो दोस्तों निवेदन आपसे यही है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों अंत तक अगर आप वीडियो को देख लेंगे तो दोस्तों आपको वह एक चीज़ के बारे में पता चल जाएंगी जिन्हें आपको किसी को भी नहीं देना है, और इन्हें अगर आप किसी को नहीं देंगे तो दोस्तों आपके जीवनकाल में कोई भी परेशानियाँ नहीं आएंगी, और अगर आपके जीवनकाल में कोई परेशानियाँ नहीं आएंगी तो दोस्तों आपके जीवनकाल में खुशियाँ और सफलताओं का भंडार लग जाएगा। जी दोस्तों, इस वीडियो में हम सभी महत्वपूर्ण जानकारी को जानेंगे कि बदलते ग्रहों के चाल के साथ साथ आप सभी के जीवनकाल में अब कौन सी घटनाएं होंगी, आपको किन किन क्षेत्रों को लेकर सावधान रहना होंगे। साथ ही बात करेंगे कि आपको वह कौन सी एक चीज़ है जिन्हें अब आपको किसी को भी नहीं देना है, आपके घर के माहौल में पारिजन में क्या क्या बदलाव, कौन से सुधार होने वाले हैं। तो दोस्तों अंत तक देखिएगा, हर एक बात आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। उससे पहले दोस्तों जो भी बात वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिखेगा, गुरु जी का और अपनी माता का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा। तो मित्रों जरूर लिखिएगा, और यदि आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। तो आइए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों पिछले कुछ समय से चल रही किसी समस्या का यशस्वी निवारण होगा। काफी समय बाद मित्रों के साथ फैमिली गेट टुगेदर होने से भी सभी लोग खुश और उमंग महसूस करेंगे। आपको बता दें कि यश में रोजमर्रा की उबाऊ दिनचर्या से आपको राहत भी प्राप्त होगा, और इसके उपरांत यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों बच्चों के साथ ज़्यादा जो है रोक टोक ना करें, इससे उनके आत्मबल तथा कार्य क्षमता में कमी आएगी। ध्यान रखें कि आपकी कोई नकारात्मक बात किसी प्रिय मित्र से जो है नाराजगी का कारण बन सकती है। तो दोस्तों यशमी किसी से भी बात करते समय अपने शब्दों का चयन जरूर करें या फिर अपने वाणी पर संयम जरूर रखें, और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समझे। दोस्तों आपको बता दें कि आपके सहयोग की परीक्षा हो सकती है। आपको बता दें कि किसी को दिया हुआ उधार पैसा भी यश में आपको वापस मिल सकता है, लेकिन वक्त पर ना मिलने की वजह से आपको तकलीफ का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समझे। आपको बता दें कि दोस्तों समय उत्तम है अपनी क्षमताओं को करियर, अध्यात्म और धर्म के प्रगति में अच्छी तरह इस्तेमाल करने में आप सक्षम भी रहेंगे। अपनी संवेदनशीलता समाज में आपको इज्जत प्रदान भी करने वाली है। सांस्कृतिक कार्यों में आप जो है शांतिपूर्ण ढंग से कार्यों को संपन्न भी कर पाएंगे। साथ ही कभी कभी अकारण ही किसी छोटी सी बात पर गुस्सा आने पर घर का माहौल भी बिगड़ सकता है, इसलिए दोस्तों इन पर आपको सावधानी रखने की जरूरत होगी। अपनी इस कमी में सुधार लाने की जरूरी होगी। आपको बता दें कि विद्यार्थियों को भी अपनी मेहनत की अपेक्षा कुछ परिणाम कम मिल सकते हैं, परंतु धैर्य बनाकर रखना इसमें आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको इसमें दोबारा प्रयास करना चाहिए, और इसके उपरांत दोस्तों इस समय आपके लिए समझूंगी। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय में घटी हुई घटना की वजह से आपको पछतावा हो सकता है,
इस कारण वर्तमान में काम नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें, इसकी वजह से आपके द्वारा नई समस्या भी खड़ी हो सकती है। खुद को माफ करके आगे बढ़ने की इसमें आपको कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों ये आपके वर्तमान परिस्थिति के लिए बेहतर साबित होंगे। और इसके साथ दोस्तों इसमें आपको बता दें कि कुछ समय से चल रही भागदौड़ी से राहत पाने के लिए आपको प्रकृति के निकट भी कुछ समय व्यतीत करना चाहिए। शांतिपूर्ण वातावरण में रहने से आपको नई ऊर्जा और स्फूर्ति की भी अनुभूति होने वाली है। आपको बता दें कि कलात्मक और रचनात्मक कार्यों संबंधी अपनी रुचियों को जागृत करने का उचित समय होगा। इसके साथ ही दोस्तों यश में कुछ समय बच्चों के साथ भी व्यतीत करना आपके लिए जरूरी होगा। उनकी गतिविधियों तथा संगति पर आपको नजर रखना चाहिए। अपनी किसी परेशानियों में नजदीकी मित्र के साथ विचार विमर्श करने से आपको अवश्य ही कोई उचित परिणाम भी मिलेगा या फिर उचित समस्या का हल भी मिलेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होगा। आपको बता दें कि दोस्तों करीबी व्यक्ति द्वारा आपको मानसिक तनाव का सामना भी करना पड़ सकता है। परिवार के व्यक्तियों की समस्याओं को सुलझाने के लिए आपको जो है प्रश्न करना चाहिए। ये प्रयत्न आपके लिए सफलता का कारण बनेगा। इसके उपरांत दोस्तों आपको बता दें कि फिलहाल आपको व्यक्तिगत जीवन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होने वाली है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए सुनूंगी। दोस्तों आपको बता दें कि यश में ग्रह स्थितियां भी आपको सचेत कर रही है कि वित्तीय योजनाओं संबंधी कार्यों पर अपना ध्यान विशेष रूप से केंद्रित रखें। बेकार के कार्यों में समय को नष्ट ना करें। घर में किसी अविवाहित व्यक्ति के विवाह संबंधी बात भी यश में चल सकती है। आपको बता दें कि दूसरों पर विश्वास अधिक विश्वास करना और उनकी बातों में आना आपके लिए नुकसानदायक रहेगा, तो इन बातों पर इसमें आपको गौर करना चाहिए। इनसे लेकर आपको सावधान रहना चाहिए। युवा वर्ग व्यर्थ की मौज मस्ती के कारण अपने करियर संबंधी कोई नुकसान भी कर सकते हैं और दोस्तों यश में किसी पड़ोसी के साथ कहासुनी होने जैसी स्थिति भी बन रही है, तो दोस्तों इन सभी चीज़ों से इसमें आपको बचना चाहिए। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि पैसे से संबंधित समस्या कम होने लगेंगी, फिर भी आपकी लापरवाही की वजह से नुकसान होने की आशंका भी नजर आ रही है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें अर्थात आपके व्यवसाय की, तो दोस्तों अभी वर्तमान परिस्थिति की वजह से व्यापार में कोई नया काम व फिर योजना कामयाब नहीं होगी। मेहनत ज़्यादा और परिणाम कम जैसी स्थिति बन रही है, परंतु यह समय आपको धैर्य रखकर समय को व्यतीत करना चाहिए। शीघ्र ही परिस्थितियाँ आपके लिए अनुकूल हो जाएंगी और आपको अच्छी सफलता भी प्रदान करने वाली है। बशर्ते दोस्तों यश में भी आपको धैर्य का दामन रखते हुए आपको आगे मेहनत करने की आवश्यकता होगी, अपने कार्यों पर फोकस करने की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही दोस्तों यश में आपको अधिक से अधिक ऑर्डर भी मिलेंगे। सरकारी नौकरी में कोई भी विशेष कार्यभार आपको मिल सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि दोस्तों व्यापार में सफलतादायक समय भी रह सकता है, अगर आप मेहनत करेंगे तभी। आपके कार्यभार की रफ्तार भी इसमें बढ़ेगी मेहनत करने के बाद ही। दोस्तों सभी कार्य इसमें आपके मेहनत करने के बाद ही होंगी, तो दोस्तों यश में बिल्कुल भी समय का दुरुपयोग ना करें, इनका सदुपयोग करें। ये आपके करियर के लिए और आपके आने वाले भविष्य के लिए बेहतर होंगे। तो दोस्तों भूल से भी भूल ना करें। प्रयास करने से रुका हुआ पेशा भी इसमें आपको पुनः प्राप्त हो सकता है। कोई राजकीय बाधा भी इसमें दूर होंगी। दोस्तों अपने टैक्स संबंधी हिसाब किताब को जो है पारदर्शी रखें, ये आपके लिए इसमें बेहतर साबित होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें, तो दोस्तों दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। मंगेतर से किसी छोटी सी बात को लेकर मनमुटाव इसमें आपसे हो सकते हैं। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि पति पत्नी के संबंधों में मधुरता बनी रहेगी तथा नजदीकी मित्रों से मेलजोल दिन को और अधिक खुशनुमा बना देगा। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें घर में उचित व्यवस्था तथा सामंजस्य भी बना रहेगा तथा आपसी संबंध भी यश में मधुर रहने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अंत में आपके जो है लव लाइफ के लिए समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों पति पत्नी के बीच पारिवारिक समस्या को लेकर कुछ नोक झोंक भी रह सकती है। युवाओं की मित्रता प्रेम संबंधों में इसमें परिणित हो सकती है। इसके साथ ही दोस्तों यश में अगर आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें अर्थात आपकी हेल्थ की, तो दोस्तों यश में अत्यधिक सर्दी का दुष्प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर हो सकता है। खांसी जुकाम जैसी परेशानी रह सकती है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए सुनोगे। आपको बता दें कि थकान की वजह से माइग्रेन अथवा सर्वाइकल का दर्द भी उठ सकता है। एक्सरसाइज तथा मेडिटेशन पर आपको इसमें विशेष ध्यान देना चाहिए। दोस्तों ये आपके स्वास्थ्य के लिए इसमें बेहतर साबित होंगी।
डायबिटीज लोग भी अपना विशेष ध्यान रखें तथा रेगुलर अपना ब्लड प्रेशर का आप चेकअप करवाते रहें, ये आपके लिए इसमें बेहतर साबित होंगी। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे, आपको बता दें अगर आप सावधानी को बरतेंगे तो आपका अंत में स्वास्थ्य ठीक होगा, परंतु वर्तमान नकारात्मक परिस्थितियों की वजह से आपको स्वास्थ्य संबंधी नियमों का पालन करना जरूरी होगा।